नमस्कार सभी को, मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। ये सेशन जो है, ये सेशन काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कुछ एक प्रश्न के माध्यम से इस सेशन को करने वाले हैं। इसमें कुछ एक सवाल रहेंगे और उस सवाल का कैसे हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, पर आपको आता है नहीं आता है उसकी बातचीत क्वेश्चन को देखकर होगी। पर इससे पहले कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलें, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये हिमाचल स्पेसिफिक पैटर्न है और इसमें आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर, इसको एक डालिएगा, प्रश्न नंबर। एक इसका क्या बोलते हैं, संख्या नंबर है। अब जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन है 84 घंटियों वाली, 84 घंटियों वाली वाली माता किसे कहा जाता है? माता किसे कहा जाता है? आई थिंक आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है माता बाला सुंदरी, बाला सुंदरी। ऑप्शन बी जो है उसको भी ध्यान से देखिएगा, माता महामाया, ऑप्शन सी जो है उसको और गौर से देखिएगा, माता पदई माता। और ऑप्शन डी जो है वो है माता कुणाल दत्री, माता कुणाल दत्री। वन बाई वन इसका आंसर देखेगा और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसका सही आंसर जो है ए, इसका सही आंसर है माता बाला सुंदरी, इसका सही आंसर है। थोड़ा सा समझिएगा, माता बाला सुंदरी जो है उसे ही 84 घंटियों वाली माता भी कहा जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम माता बाला सुंदरी की बातचीत करें तो ये 84 घंटियों वाली माता है। इसे चंडी माता या दुर्गा माता का रूप माना जाता है। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। फिर दूसरी बात, अगर हम जिले की बातचीत करें तो किस जिले में ये मंदिर है? सिरमौर जिला जो है वहां पर ये मंदिर देखने को मिलता है। सिरमौर के बारे में जब भी पढ़े तो इस बात को ध्यान में रखें, पुराने हिमाचल का ही पार्ट है, पुराने एचपी का हिस्सा है। इसका पुराना नाम सुरोकना है। और जब रोजगार गारंटी, जिसको हम मनरेगा या नरेगा कहते हैं, चंबा और सिरमौर में सबसे पहले शुरू हुई थी, तो जो नरेगा है उसको सबसे पहले चंबा और सिरमौर में ही लागू किया गया था। ये तो आपको अच्छे से पता चले। फिर सिरमौर की बातचीत जब आप कर रहे हैं तो सिरमौर में जो बाला सुंदरी मंदिर है वो त्रिलोकपुर में, तिरुपुर, तिरुपुर में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। ये मंदिर तिरुपुर में देखने को मिलेगा। मिला जुलाकर जब आप इतिहास की बातचीत करें, इतिहास की जब बातचीत करेंगे तो इतिहास में कुछ एक स्रोत है, उन स्रोत के माध्यम से हमें पता चला। पहला है महाभारत,
महाभारत में एक कहानी है कि पांडवों के वंशज का नाम है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बब्रुवान। कौन है? बब्रुवान। उसने बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण करवाया। पर यह एक मान्यता है, एक कहानी है, एक मत है। दूसरा मत क्या है? दूसरा मत भी जानिए, पर इसको मुझे पहले मिटाने दीजिए। दूसरा मत यह है, और ये मत हम ऐसे कह सकते हैं, किंवदंती है, एक कहानी है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम रामदास है। रामदास है, ये व्यक्ति व्यापारी है, ये जो है नमक का व्यापार करता है। नमक का व्यापार करते करते इसके पास एक बोरी है। उस बोरी को रोज लेकर ये कहां चला जाता है? मार्केट में चला जाता है, रोज की तरह नमक ये बेचता है। पर एक दिन बोरी खाली नहीं होती है, भारी ही बोरी रहती है। उसमें एक मूर्ति देखने को मिलती है पत्थर की, और रात को ये बोरी में एक मूर्ति मिलती है, उसको स्वप्न भी पड़ता है कि मैं बाला सुंदरी हूं, मेरे मंदिर का निर्माण आप त्रिपुर में कीजिएगा। ये जो व्यक्ति है इसके पास इतना धन नहीं है कि ये इस मंदिर का निर्माण करवा सके। रामदास व्यापारी सिरमौर के राजा के पास जाता है और सिरमौर के राजा से रिक्वेस्ट करता है कि ऐसी ऐसी कहानी है। उस वक्त सिरमौर के राजा जो है उनका नाम दीप प्रकाश है, और इस मंदिर का और निर्माण करवाते हैं। 1573 के आसपास की बातचीत है जब इस मंदिर को बनाया जाता है। ये उस समय की बातचीत है जब सेंटर में राजा अकबर है। अकबर के समकालीन ये जो दीप प्रकाश सिरमौर के राजा हुए। मिरादला का जब ये कहानी क्लियर होती है, तो जब आप त्रिलोकपुर के बारे में पढ़ें, आपने माता बाला सुंदरी के बारे में पढ़ा, उसके साथ ही आपने पूरी की पूरी कहानी जब पढ़ ली है, तो दूसरी बात आपको यहां से ये याद रखनी है कि शैली क्या है इस मंदिर की। शैली किस शैली में बना है? तो ये मिश्रित शैली, या जिसको हम गुबंध शैली भी कहते हैं। हिमाचल में इस गुबंध शैली का प्रचार प्रसार मुगलों के समय में ज्यादा हुआ, और ये गुबंध शैली जो है मौर्य और गुप्त काल से चली आ रही है। मौर्य और गुप्त काल से ये जो गुबंध शैली थी चलती आ रही है। मुगल शैली या मिश्रित शैली इसको कहा जाता है। उस शैली में ये मंदिर बना हुआ है। शिवालिक में ये जो मंदिर है बसता है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। शिवालिक विजन में ये मंदिर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये तो ठीक है, यहां से तो आपका ये मत क्लियर हो गया। अब जो बी ऑप्शन है उसको देखिए। बी ऑप्शन जो है उसको आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से देखना है, माता महामाया। बी ऑप्शन को देखिए, माता महामाया। ये माता महामाया मंदिर सुंदर नगर में कहां पर है? सुंदर नगर में है। थोड़ा सा समझिएगा, सुंदर नगर वर्तमान में मंडी से कुछ दूरी पर पड़ने वाला एक काफी सुंदर खूबसूरत प्लेस है। सुंदर नगर पुराने समय में सुकेत की राजधानी भी रही, सुकेत की राजधानी रही है, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। सुंदर नगर का पुराना नाम बनेर था, इसको भी नहीं भूलना है। गरुड़सेन इसके संस्थापक हैं, इस बात को भी आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना है, गरुड़सेन। सुंदर नगर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। और सुंदर नगर में जो किसान प्रशिक्षण केंद्र है वो भी देखने को मिलता है। किसान प्रशिक्षण केंद्र है वो भी देखने को मिलता है। मिला जुलाकर ब्यास से कुछ दूरी पर ये देखने को मिलता है। ब्यास से कुछ दूरी पर सुंदर नगर के नॉर्थ में आपको धौलाधर पर्वत शिखर देखने को मिलेगी। धौलाधर पर्वत शिखर देखने को मिलेगी।
जो मध्य हिमालय का छोटा बेटा, या ऐसे मान के चलो कि इसको मध्य हिमालय या हिमालय का एक पार्ट माना जाता है। सुंदरनगर के नॉर्थ पार्ट में जैसे धर्मशाला के कुणाल पत्री, धर्मशाला कांगड़ा के पालमपुर में टी की प्लांटिंग होती है, उसी तरीके से यहां पर भी आपको ये प्लांटिंग देखने को मिलती है। अब मिला जुला कर माता महामाया का जो मंदिर है सुंदरनगर में है, एक जमाने में मैंने आपको बताया कि ये सुंदरनगर इसका हिस्सा हुआ करता था, ये सुकेत का हिस्सा हुआ करता था, सुकेत एक जमाने में रियासत हुआ करती थी, और इस सुकेत के जो संस्थापक थे वो वीरसेन माने जाते हैं, और वीरसेन ने 765 ईस्वी में इसकी स्थापना की। इसी सुकेत के कुछ एक नाम है, इसको भी मत भूलिएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी की सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर होने वाली है। देखिए सुंदरनगर किसका पार्ट होता था? सुकेत का पार्ट सुकेत जो है इसकी स्थापना किसने की? वीरसेन ने। कब की? आपको मैंने बता दिया। सुकेत के भी कुछ एक पुराने नाम है, जैसे शुक देव इसका नाम है, सुकुट इसका नाम है, पुराना नाम जो है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी। मिला जुलाकर सुंदरनगर में जो माता महामाया का मंदिर है और लक्ष्मण सेन ने बनाया, लक्ष्मण सेन ने बनाया, और ये लक्ष्मण सेन एक ऐसा व्यक्ति है जो सुकेत का अंतिम राजा हुआ है, सुकेत का अंतिम राजा है ये। और अगर आप अच्छे से समझते हैं तो जब हिमाचल प्रदेश का गठन हो रहा था 15 अप्रैल 1948 को, तो उससे पहले कुछ एक रियासतें हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलना चाहती थी, सुकेत भी उनमें से एक थी, बिलासपुर भी एक थी। तो सुकेत का जो राजा लक्ष्मण सेन था वो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलना चाहता था। तो जो हमारे पदम देव जी है, इन्हें कविराज की उपाधि दी है, उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया और इसको मिलाने का प्रयास किया, और लक्ष्मण सेन के ऊपर अटैक हुआ था। इसको कहते हैं सुकेत सत्याग्रह। 18 फेब 1948 के आसपास की बातचीत है, और इस वक्त जो एक सत्याग्रह हुआ उस सत्याग्रह को नाम दिया गया सुकेत सत्याग्रह। तो मिला जुलाकर आपको ये चीजें यहां से याद रखनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसका पता चल गया। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन है माता भले, माता जिसको कहेंगे माता भले माता, काफी इंपॉर्टेंट सा ऑप्शन है सी, माता भले ही माता। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये चंबा जिले में एक मंदिर है, चंबा जिला की एक तहसील है जिसका नाम है सुरुणी। ये वही सुरुणी है जिसमें आपको पादरी दर्रा देखने को मिलता है, जिसमें आपको द्राटी दर्रा देखने को मिलता है, और ये वही सुरुणी है जहां पर आपको सुरनाड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये वही सुरुणी है जहां पर आपको सियुल बेड़ा नदी बहती हुई देखने को मिलेगी। तो सुरुणी में तहसील जो है, सुरुणी जो तहसील है चंबा की, उस तहसील में आपको क्या देखने को मिलेगा? उस तहसील में आपको माता भलही मंदिर देखने को मिलेगा। माता भलही मंदिर से कुछ दूरी पर, माता भलही मंदिर से कुछ दूरी पर आपको डलहौजी देखने को मिलता है, लॉर्ड डलहौजी यहां पर है, अच्छे से याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग का टाइटल उसको दे के रखा हुआ है। तो ये जो भलही से कुछ दूरी पर आपको डलहौजी देखने को मिलता है, भलही से कुछ दूरी पर आपको चमेरा फर्स्ट जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसको चोहरा वहां के लोकल लोग कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट है, खैरी पे पावर हाउस बना हुआ है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये भलही जो है ये आपको रावी नदी के आसपास में देखने को मिलेगा, रावी नदी के आसपास में देखने को मिलता है, इस बात को भी आपने याद रखना, रावी नदी के आसपास में ये जो है आपको देखने को मिलेगा भलही मंदिर। अब दूसरी बात क्या है कि जो भलही मंदिर है इसके बारे में कई ढेर सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि चंबा का एक राजा हुआ जिसका नाम प्रताप सिंह, प्रताप सिंह को एक स्वप्न हुआ कि देवी ने स्वप्न दिया और कहा कि यहाँ पर एक जगह है, घान करके एक गांव पड़ता है, उस जगह में एक धन का खजाना है, उस धन के खजाने को निकालकर वहां पर मंदिर का निर्माण करवा देना। राजा ने ये स्वप्न की बात अपने मंत्रियों के साथ कही, जब ये बातचीत कह देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि लोग मंत्री और सलाहकार ये कहते हैं कि क्यों ना हम माता की जो वहां पर मूर्ति है या धन दौलत है उसको उठाकर चंबा ले आए। जब ये बातचीत तय हो जाती है और वहां पर जाकर उस मूर्ति या उस जो धन दौलत जिस जगह पर बताई बताई गई है उसको उठाने का प्रयास